हाय मूवी शूवियंस, क्या हाल चाल है? सब कुछ बढ़िया है। और जो लोग अभी तक मूवी शूवियंस नहीं बने हैं, उनको सिर्फ एक सब्सक्राइब का बटन दबाना है और मूवी शूवियंस आप बन जाओगे। यानी कि हम लोग सेम ही चीज़ सोचते हैं, जो कि है पॉजिटिविटी। बहुत ज़्यादा किचड़ पिचड़ की दुनिया के अंदर हम कुछ रोशनी लाने की कोशिश करते हैं। तो एक सीरी वेब सीरीज है जिसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे, वो आपको क्यों देखनी चाहिए, क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या बेटर हो सकता था, यही सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो पेपर गर्ल्स नाम की एक नई वेब सीरीज आई है अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर। हिंदी में नहीं आई है, 8 एपिसोड हैं, 35 मिनट्स का एक आसपास का इसका एपिसोड है। अब इसके अंदर आपको कुछ 4 लड़कियों की कहानी दिखाई जाएगी, जो आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेंजर थिंग्स से लोग कंपेयर करते हुए दिखेंगे। बट मेरा मानना ये है कि स्ट्रेंजर थिंग्स जैसी मुझे तो कहीं से भी नहीं लगी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। अगर मुझे इसको समझाना हो तो आप ये समझ सकते हैं कि थोड़ा सा अगर स्ट्रेंजर थिंग्स का एलिमेंट आप फ्रेंडशिप का लेके आओ, जहाँ पर ऐसे किड्स फंस जाते हैं ऐसी सिचुएशन के अंदर जहाँ पर वो एक्चुअली में नहीं होने चाहिए, बड़े लोग होने चाहिए जो उस सिचुएशन को समझ पाएँ, कंट्रोल ले पाएँ। तो बच्चे वहाँ जब फंस जाते हैं तो एक अलग तरीके का एटमोसफेयर बनता है। सिर्फ यही कॉमन है, हाउ दे बेसिकली सेव देमसेल्व और द वर्ल्ड, राइट? तो स्ट्रेंजर थिंग जैसा साउंड करता है या अम्ब्रेला अकेडमी जैसा साउंड करता है, बट यहाँ पर इन्होंने काफ़ी चीज़ें और भी मिक्स करी हैं। यहाँ पर स्ट्रेंजर थिंग्स तो है ही है, पैसिफिक रिम भी आपको थोड़ा सा दिखेगा, आपको थोड़ा सा डार्क भी दिखेगा, क्योंकि इसके अंदर टाइम ट्रैवल इन वेरियस ईयर्स है और खुद ही के सेल्फ से मिलना है। वहाँ पर एक आपने सामने से रूबरू इस सेंस में नहीं होते हो कि आप छोटे सेल्फ हो, बड़े सेल्फ हो और कन्फ्यूजन बने रहते हैं। यहाँ पर थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड रखा गया, हमें कन्फ्यूज़ करने की कोशिश नहीं करी गई है। यहाँ पर कुछ हद तक ये कह सकते हैं स्टार वॉर टाइप एलिमेंट है, पूरा प्रॉपरली नहीं बट है। और लोकी वाला भी एक एलिमेंट यहाँ पर पकड़ा, लोकी जो मार्वल की सीरीज है वो है टाइम वेरियंस अथॉरिटी, राइट? तो वहाँ का एलिमेंट भी कुछ ना कुछ पकड़ा गया है। तो आप समझ लीजिए कि अगर इतना कुछ हो रहा होगा तो आपको ये लगेगा कि यार ये स्ट्रेंजर थिंग्स से थोड़ी सी भी अलग हटके है या बेटर है, इसके अंदर और कुछ बोलने की कोशिश करी जा रही है। हालांकि ये एक कॉमिक्स के ऊपर बेस्ड है, तो ऐसा नहीं है कि कोई कॉपी करके कुछ बनाने की कोशिश करेगी है स्ट्रेंजर थिंग्स से। बट एट द सेम टाइम ये थोड़ी सी अलग डिफरेंट जोन के अंदर चली जाती है, जहाँ पर आपको 1998 का समा दिखाया जाता है। 4 लड़कियाँ हैं जो ना पेपर फेंकने का काम करती हैं। इनफैक्ट ये सबसे पॉपुलर तरीके का कह सकते हैं समर जॉब हुआ करता था एक टाइम में। तो एक लड़की है जिसका नाम है मैक, वो टॉम बॉयज टाइप है। एक टिफनी है, वो थोड़ी सी ब्रिलियंट टाइप की है। फिर थोड़ी स्पॉइल्ड ब्रैट टाइप होते हैं, उसका नाम केजे यहाँ दिखाया गया। फिर एरिन है जो कि अभी आज सीख रही है कि पहला दिन है उसका न्यूज़पेपर फेंकने का। वो सुबह अर्ली मॉर्निंग मिलते हैं और न्यूज़पेपर फेंकने की तैयारी करते हैं, और वहीं पर आसमान में कुछ अलग होना शुरू हो जाता है। कुछ वाइट यूनिफॉर्म में लोग निकलते हैं, किसी को मार रहे हैं, ये सब हो रहा होता है। थोड़ा फ्यूचरिस्टिक लगने लग जाता है 1988 का समा। और वो जो भाग के एक जिसे कहते हैं सेविंग घर के अंदर घुसते हैं, और वहाँ पर एरिन अपने ही बड़े रूप को देख के अजीब से हक्का बक्का रह जाती है। यहाँ पर बच्चे रूबरू होते हैं नई टेक्नोलॉजी के, और यहाँ से शुरू हो जाता है कि ये टाइमलाइन में वापस कैसे जाएंगे। अब इसके अलावा मैं कुछ बताऊंगा नहीं, यू हैव टू डिस्कवर इट योर सेल्फ। पर जिस तरीके से यहाँ पर बच्चों की जो डिस्कवरी दिखाई गई है, मेहनत दिखाई गई है, वापस जाने का जज्बा दिखाया गया है, और जो दो टाइम वेरियंस अथॉरिटी समझ लीजिए की तरह है, जिसका नाम है ओल्ड वॉच, वो चाहता है कि कुछ भी अनऑथराइज तरीके से टाइम ट्रैवल जो है या कोई छेड़खानी है टाइमलाइन के साथ वो ना हो। और SCF करके एक बॉडी दिखाई गई है जो कुछ छेड़खानी करने की कोशिश कर रही है। तो क्या वो टाइमलाइन की इंटेग्रिटी बनी रहेगी कि नहीं बनी रहेगी, टाइम ट्रैवल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये सब चीज़ें आपको देखनी होंगी। ये कह सकते हैं कि ये जो स्टोरी है ये अपने आप में थोड़ी सी अलग है, थोड़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड चलती है, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं करती है। जो दोस्ती दिखाई गई है बच्चों के अंदर वो आपको ठीक ठाक इमोशनली एंगेज करती है। जो डिस्कवरी ऑफ टेक्नोलॉजी है और उससे रिलेटेड जो कॉन्वर्सेशंस हैं वो हम कब से देखे जा रहे हैं, वो टाइम ट्रैवल वाली जो मूवीज़ भी आती हैं, वो जो जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज होता है वो अभी भी आपको सरप्राइज करेगा। तो जो चीज़ें अच्छी हैं, जो चीज़ें नहीं अच्छी हैं, जो आपको कंसर्न दिखना चाहिए कि वॉट इज़ एट स्टेक इफ इफ दे आर अनेबल टू गो बैक, वॉट इज़ एट स्टेक इफ दिस डजन हैपन, वॉट इज बिहाइंड देम, हु और हु इज़ बिहाइंड देम, ये सारी जो चीज़ें हैं ना कि एक ऐसी फीलिंग ऑफ अर्जेंसी क्रिएट कर दें, वो अर्जेंसी इस सीरीज़ के अंदर मुझे लगता है मिसिंग लगती है। प्रोडक्शन क्वालिटी वाइज भी इट इज़ नॉट देयर, इट इज़ लाइक
अगर आप कोई लेट 90s का स्टार वॉर्स देखें और आज के टाइम के हिसाब से देखें, तो आपको कुछ गैप्स नज़र आए। 80s का एक्चुअली स्टार वॉर्स देखें और आज का देखें, तो कुछ गैप्स नज़र आएंगे, कुछ बनावटी चीज़ें नज़र आएंगी और कुछ थोड़ा सा अनपॉलिश चीज़ें नज़र आएंगी, तो आपको यहाँ पर वो वाली फीलिंग आती है। बट हैविंग सेड दैट, ये सीरीज़ फिर भी वॉचेबल है, इतनी बुरी नहीं है। मैंने कुछ लोगों के रिव्यूज़ पढ़ने की कोशिश करी, तो उन्होंने तो स्ट्रेट अवे स्ट्रेंजर थिंग्स से इसको पता नहीं क्यों मैच करा दिए। वहाँ पर जो सुपर नेचुरल का एलिमेंट ज़्यादा है, यहाँ पर तो उसका कोई लेना देना भी नहीं है। तो आप इसको देखो, आई थिंक यू विल इन्जॉय। मोटा मोटा ठीक ठाक है, बच्चों के साथ अगर घर पे कोई बच्चे हैं उनको देखनी है तो आप बिल्कुल ही इन्जॉय करोगे उनके साथ, उनको अच्छा लगेगा। और जो सेल्फ डिस्कवरी और जो खुद के सेल्फ से बड़े का मिलन है, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि कैसे वो इंडिविजुअल बच्चे में और जब वो सीनियर बन गया है तो उसके अंदर क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या उनका जीवन जैसे उन्होंने सोचा था वैसे ही निकलता है कि नहीं निकलता। वो जो डिसकंटेंटमेंट है और डिसओरिएंटेशन जो आती है कि आज मैं क्या बनना चाहता हूँ और कल मैं क्या बन गया, वो जो है वो भी एक अच्छा एलिमेंट तरीके से यहाँ पर डिस्कवर किया गया। बाकी अगर थोड़ा सा ये और पॉलिश्ड होता, बाकी ये सेंस ऑफ पर्पस ज़्यादा होता, बाकी ये और थोड़ा सा टाइट होता इन द सेंस कि यार व्हाट इज़ एट स्टेक, तो ये और बेटर बन सकता था। जिसकी वजह से अगर स्ट्रेंजर थिंग एक बहुत ही बढ़िया शो है, ये अब आप कह सकते हैं कि ओके शो है, जिसको आप 6.5 out of 10 फिर भी दोगे, ठीक है। तो बाकी आप इन्जॉय करो और टाइम ट्रैवल में देखो क्या कुछ हो रहा है और बैक टू द फ्यूचर चले जाओ। आप मिलेंगे एक और रिव्यू के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।